नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड एक डील जो हुई थी रिसेंटली, उसके विरोध में गवर्नमेंट आके खड़ी हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज है ये आज की, और जब ये न्यूज आई उसके बाद आप देखिए वेदांता के स्टॉक में एक नेगेटिव रिएक्शन आपने देखा है, और हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहां आपने पॉजिटिव रिएक्शन देखा है। अब मैं आपके साथ दोनों चीजें डिटेल में शेयर करूंगा, जिसने अभी तक ये सारी खबर नहीं देखी है नहीं समझ में आई है अभी आ जाएंगी। हालांकि उसके बाद हिंदुस्तान जिंक भी गिर गया दोबारा से, क्योंकि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है, बट न्यूज पॉजिटिव है हिंदुस्तान जिंक के लिए और नेगेटिव है वेदांता के लिए। इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा ये है कि हिंदुस्तान जिंक वेदांता की कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी। हिंदुस्तान जिंक में 65% स्टेक वेदांता ओन करता है, बट इन दोनों के लिए ये खबर है जो कि एक के लिए अच्छी एक के लिए खराब। इनिशियली जब इस खबर का डेवलपमेंट हुआ था, जब ये खबर आई थी, तो वेदांता का शेयर 4-5% चढ़ गया था और हिंदुस्तान जिंक का शेयर कम से कम 6% क्रैश हुआ था इंट्राडे में। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे भी हिंदुस्तान जिंक लगभग 4% क्रैश हुआ था। सबसे पहले हुआ क्या है, पूरी डिटेल सबसे पहले शेयर करता हूं। हिंदुस्तान जिंक का वेदांता का एक जिंक बिजनेस है जो कि इंटरनेशनल है, वो वेदांता हिंदुस्तान जिंक को बेच रहा है, जिसके लिए हिंदुस्तान जिंक से 24,000 करोड़ की कहीं ना कहीं बोली लगी, डिमांड करी है 24,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान जिंक, 24,000 करोड़ में वेदांता अपना जिंक इंटरनेशनल बिजनेस बेच रहा है हिंदुस्तान जिंक को, ठीक है। उसके बाद वेदांता कह रहा है रॉयल्टी के रूप में आपसे 2% आपके टोटल रेवेन्यू का भी लेंगे, यानी टॉप लाइन का भी 2% लेंगे, और इसके चलते हिंदुस्तान जिंक में बड़ी वाली गिरावट आई थी। आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? अब देखिए आप समझने की कोशिश करो, मेरी मतलब मान लो कंपनी ये है हिंदुस्तान जिंक को ही लेते हैं डायरेक्ट, हिंदुस्तान जिंक की बुक में लगभग 35,000-40,000 करोड़ का कैश पड़ा है, जिसमें से 24,000 करोड़ अगर सीधे चले जाएंगे तो उसके पास कैश कितना कम रह जाएगा, उसका पैसा चला गया है। और जो हिंदुस्तान जिंक जो इंटरनेशनल बिजनेस है जो जिंक का वेदांता वाला जो वो खरीद रही है, वो उतना मतलब है ही नहीं, वैल्यू रखता ही नहीं, वो वैल्यूएशन बहुत महंगे हो रहे थे, इसलिए स्टॉक का प्राइस नेगेटिव था। सेकंड सबसे बड़ा धक्का जो लगा हिंदुस्तान जिंक को वो ये कि रॉयल्टी के रूप में 2% हर बार उन्हें पे करना पड़ता वेदांता को, तो ये बड़ा बैकफुट पे चले जाते हिंदुस्तान जिंक। इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेदांता को भी लॉस था, क्योंकि जब हिंदुस्तान जिंक की बुक में पैसा ही कम रह जाएगा, अब मान लो 24,000 करोड़ जब उनकी कैश चला जाएगा, और टोटल अगर मैं आपके साथ एक बार एग्जैक्ट फिगर शेयर करना चाहता हूं हिंदुस्तान जिंक की बुक में कितना फंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया 24,000 करोड़ की ये डील थी हिंदुस्तान जिंक की जो थी जिंक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो वो 24,000 करोड़ अगर दे देते तो बुक में इस समय इनके पास जो कैश पड़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे अभी ये 30,000 करोड़ का है, तो 6,000 करोड़ रह जाते। तो वेदांता हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड भी नहीं दे पाता ज्यादा, और हिंदुस्तान जिंक जब डिविडेंड ज्यादा देगा नहीं तो वेदांता पे भी डिविडेंड कम आएगा, जब वेदांता पे डिविडेंड कम आएगा तो इन्वेस्टर्स को भी वेदांता डिविडेंड कम पे करेगा, तो ये बहुत नेगेटिव हो रहा था। अब आज एक फ्रेश डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, जहां पे गवर्नमेंट कुछ कहती हुई दिख रही है, क्या कह रही है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। गवर्नमेंट इसके इस डील के विरुद्ध में चली गई है, तो ये एक काफी बड़ी आज के सेशन की ब्रेकिंग न्यूज थी जो आज आती हुई दिखी है। सरकार इस डील के पक्ष में नहीं है, सरकार इस डील के विरोध में चली गई है। कंपनी यहाँ पे मेरे पास अगर अभी कोई खबर वो शो होगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा जो दोपहर के समय आती हुई दिखी थी, अदरवाइज मैं आपको जो कह रहा हूं वो डिटेल है। देखिए, गवर्नमेंट टू अपोज कंपनी सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक बाय आउट ऑफ कंपनीज ग्लोबल जिंक एसेट, तो अपोजिट हो गई है इसके, विरोध में है गवर्नमेंट कि भाई ये मत करो इससे नुकसान हो सकता है। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं आज के सेशन में डेवलपमेंट हुए। आप एग्जैक्टली 2:30 के 35 मिनट के बाद का शेयर का प्राइस चेक करोगे ना दोनों का, तो एक में अपटिक आया एक में डाउन टिक। अपटिक उसमें आया जो कि हिंदुस्तान जिंक, जो कि उसके लिए फायदे वाली चीज है वो नहीं लेगा, तो और नेगेटिव वेदांता के लिए, क्योंकि भाई उसके पास एक तो 24,000 करोड़ डायरेक्ट आने वाले थे वो नहीं आ रहे, हिंदुस्तान जिंक के पास जो उसका पैसा बच जाएगा, तो ये अलग अलग तरीके से दोनों एक ही कंपनी है वैसे, सब्सिडरी है एक, बट जो नेगेटिव खबर थी पहले हिंदुस्तान जिंक के लिए थी, अभी आज पॉजिटिव हुई है। अब देखते हैं ये डेवलपमेंट कहां पे जाके खत्म होता है, क्या ये डील होगी या नहीं होगी। अगर होती है तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स को भी काफी नुकसान होगा। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता मैक्सिमम लोग डिविडेंड के लिए लेते हैं, और दोनों ही जगह डिविडेंड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि बुक में पैसा ही नहीं रहेगा तो डिविडेंड बांटेंगी कहां सी बैंक है।
तो फिर वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे हिसाब से, दोनों स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होगा। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा था और अभी भी कर रहा हूँ। तो ये आज के सेशन में फ्रेश डेवलपमेंट होते हुए देखें दोनों स्टॉक्स के लिए, जो खबर थी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।